बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, और अगर कोई गलती शलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये हम आए हैं लुलु हाइपर मार्केट बहरीन। तो मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी, तो मैंने सोचा अपनी वीडियो का आगाज़ आज यहीं से किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मैं क्या क्या ख़रीदती हूँ, क्या क्या चीज़ें लेती हूँ। तो चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ लुलु हाइपर मार्केट। तो ये कुछ वेजिटेबल्स एरिया है, यहाँ से मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी मुझे, तो वो मैं देख रही थी। और ये कुछ अमरूद आए थे ताज़े ताज़े, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो वो भी मैंने ले लिए। आगे मैं जाके आपके साथ शेयर करूँगी अपनी ग्रॉसरी, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छा जी, ये यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, डिफरेंट टाइप्स की मिठाइयाँ हैं। क्योंकि दिवाली आ रही थी तो इस हिसाब से इन लोगों ने ये मिठाइयाँ वगैरह रखी थी। बेसिकली जो लुलु हाइपर मार्केट है, ये है इंडियन का ब्रांड है। यहाँ पे जो है आपको इंडियन फैमिली बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पे इस मार्ट में जो है इंडिया की सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। तो इस वजह से ये कुछ डेकोरेशन वगैरह करते हैं, कोई भी इनका इवेंट होता है तो उस हिसाब से ये चीज़ें रखते हैं, ताकि जो है लोग इजीली यहाँ से ख़रीद सकें। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी हैं, लेकिन इंडियन फैमिलीज़ ज़्यादा हैं, और बांग्लादेश के लोग भी हैं, फिलिपिनियन भी यहाँ पे हैं। तो ये हम आए हैं डेयरी सेक्शन। ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप की योगर्ट्स वगैरह मिल जाएंगी, बटर, चीज़, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर जो है इनका ये सेक्शन है, यहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिल जाते हैं, अलमारियाँ, कैबिनेट, सोफ़ाज, और जो है जिम का सारा सामान मिल जाएगा आपको। जिम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाएगी, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें मिल जाएंगी, बैग्स, शूज़, और इसके अलावा अपना बच्चों की टॉयज़ वो मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं आप सारी चीज़ें, ये कैबिनेट, शू रैक, हर चीज़, स्टडी चेयर, सोफ़ाज। तो ये ऊपर जो है इनका पूरा सेक्शन ये है। अच्छा, ये जो है न्यू बॉर्न बेबीज़ की जो है सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, इतनी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें, कितनी क्यूट लगती है। ये आपको सीटर्स मिल जाएंगे, फीडर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखें आप, कितनी क्यूट चीज़ें। ये इतना बड़ा हाइपर मार्केट है, मैंने जो है ऐसे ही बस थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है। वैसे अगर एक एक चीज़ दिखाने लगी तो बहुत ही वीडियो लंबी हो जानी थी, इस वजह से मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको मज़ीद कुछ देखना है तो मुझे कमेंट करके बताएं।
ताकि मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें दिखाऊं। अब ये लेडीज़ सेक्शन है, यहाँ पे आपको टॉप्स मिल जाएंगे, हुडीज़ मिल जाएंगी, ट्राउज़र्स हो गए, अबायाज हो गए, यहाँ पे आपको नाइट सूट्स मिल जाएंगे, लेडीज़ का पूरा सेक्शन। ये अभी इधर साड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये देखें इतनी प्यारी सी, ये चुनरी की, बनारसी की, और ये जो है शॉल पड़ी है ऊपर। और अभी ये जो है दिवाली चल रही है तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें रखी हैं, डांडिया और ये उनके जो भी हैं, मुझे बस ज़्यादा नहीं पता। अभी ये बैग्स पड़ी हैं, बहुत ही प्यारी पर्सेज हैं, देखें पीछे जो है ज्वेलरी सेक्शन है, मैंने इतना ज़्यादा वो नहीं किया रिकॉर्ड। यहाँ पे मेन सेक्शन है, मेन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये फुटवेयर है, और ये लगेजेस मिल जाएंगे आपको, बैग्स ट्रैवलिंग के लिए, अच्छी खासी कलेक्शन है। इधर आप आकर देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे रहने वाले हैं बहरीन में तो उनको पता होगा। अभी ये स्टेशनरी सेक्शन है यहाँ पे, जब हम आए हैं यहाँ पे आपको पिलोज, क्वेल्ट कवर, बेड शीट्स, कंफर्टर सेट, कर्टन्स और रग वगैरह मिल जाएंगे। और ये देखें डिफरेंट ब्रांड्स के जो हैं आपको कंफर्टर सेट मिल जाएंगे, जायनमाज़ मिल जाएंगी यहाँ पे इसी साइड पे। अच्छा, मोस्टली जो लोग कहते हैं कि लुलु एक्सपेंसिव है एज़ कंपेयर बाकी जो हाइपर मार्केट हैं उससे, तो ये बात सही है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये है कि मुझे जो है ये मेरे घर के नज़दीक है तो मुझे इजी रहता है यहाँ से सारी चीज़ें लेना। अगर बंदा घर के करीब कुछ मिलता है तो ले ले, बाहर कहीं और ढूंढने के बजाय कहीं दूर जाने के, तो अपने घर के नज़दीक जो मिल रहा है वो ही ले लो। तो ये देखिए आप, कुछ चीज़ें हैं जी। तो ये अभी कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हैं, घर को डेकोरेट करने में अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें आप ख़रीदो और कुछ थोड़ी बहुत घर में रखें तो घर बहुत प्यारा लगता है आपका। अगर छोटी छोटी चीज़ें आप लेकर आओ, उसी से आप घर को थोड़ा सा कलरफुल बना लो तो उससे अच्छी वाइब्रेट आती है। तो पर्सनली मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेकर आना और घर को सजाना। हर औरत का यही एक होता है, ख्वाब होता है कि उसका घर अच्छा हो और प्यारा लगे, और एक अच्छी सी फीलिंग आती है जब घर बहुत ही खूबसूरत हो, डेकोरेशन की थोड़ी बहुत चीज़ें घर में हो। अच्छा, ये यहाँ पे कुरान पाक की कुछ आयतें हैं, और ये कुरान पाक का बॉक्स है, और ये देखें आप छोटी छोटी चीज़ें डेकोरेशन की, और कुछ सीनरीज हैं ये। तो ऐसी चीज़ें जो घर में एक दो आप ले लो और लगा लो तो मतलब घर का एक लुक ही चेंज हो जाता है। Thank you.
मैंने यहाँ से एक मिस्ट लिया है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, तो एक लेडी ट्राई कर रही थी तो मैंने भी सोचा मैं भी ट्राई कर लूँ। तो बस वैसे तो मुझे लेना नहीं था, बस मैंने ले लिया, अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ये किस किस के साथ ऐसा होता है कि आप जो अगर कुछ लेने ही जाओ मार्केट में, ग्रॉसरी करनी हो या शॉपिंग करनी हो, कपड़े वगैरह लेने हो, सोच के घर से कुछ जाओ और चीज़ें कुछ और ही लेकर आओ। तो ये मेरे साथ बहुत होता है, मैं अक्सर किसी भी जगह जाती हूँ, लेना कुछ और होता है लेकिन कुछ और ही अच्छी चीज़ें नज़र आ जाती हैं तो वो मैं लेकर आती हूँ। तो बस आज मुझे ना वॉइस ओवर करते हुए कितनी बार सोचना पड़ा कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। वैसे तो मैं बातें बहुत ठीक ठाक ही कर लेती हूँ और आज मुझसे कोई बात ही नहीं हो पा रही थी। मैंने बहुत बार वॉइस ओवर किया है, शायद मेरा फर्स्ट ब्लॉग है इसीलिए थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाऊँगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या देखना अच्छा लगता है। तो अभी बस हम आ गए हैं घर, तो ये मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और ये मिस्ट जो आपने देखा, ये मिस्ट था बहुत अच्छा था, और थोड़ा ये ज़ाफ़रान लिया है मैंने। बस यहीं पे अपनी वीडियो को मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह एक नई ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ अपने ये कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। तो बस मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।